पहले पे विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। यूपी में क्या मायावती और अखिलेश के बीच गठबंधन की डील हो चुकी है? 25 साल बाद पहली बार एसपी और बीएसपी के मुखिया एक साथ कौन सा धमाका करने वाले हैं? 2019 के लिए बीजेपी का ब्रह्मास्त्र क्या गठबंधन का चक्रव्यूह तोड़ पाएगा? राहुल गांधी ने क्या मोदी का आइडिया और स्टाइल हाईजेक कर लिया है? सीबीआई से वर्मा के बाद क्या अब अस्थाना के जाने की बारी है? बलात्कारी राम रहीम का क्या होगा जो अब हत्यारा भी साबित हो गया है? दिल्ली में कांग्रेस की कमान संभालते ही शीला दीक्षित ने किस बात पर यू टर्न लिया? ऐसी हर अहम खबर के नहले पे विश्लेषण का सटीक दहला आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नहले पे दहला इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास 2 आईडी ब्लास्ट, सेना का एक मेजर शहीद, कई जवान घायल। दुबई में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, कहा सत्ता में आने पर आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएगी कांग्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान से बीजेपी ने मिशन 2019 का आगाज किया है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह समेत देश भर के कई बीजेपी नेता शामिल हुए। यूपी में गठबंधन ऐलान से ठीक पहले अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ कन्नौज में चौपाल लगाई, कहा मोदी सरकार किसानों को भूल गई है। यूपी में गठबंधन को लेकर आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का बयान सामने आया है, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान किया जाएगा। गठबंधन के ऐलान से पहले लखनऊ में अखिलेश और मायावती के पोस्टर लग चुके हैं, लिखा है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद शीला दीक्षित का बयान सामने आया है, शीला ने 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने का दावा किया है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की सुप्रीम कोर्ट से अपील, अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग। एनडीए में शामिल होने को लेकर डीएमके चीफ स्टालिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, कहा तमिलनाडु में बीजेपी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी लावारिस गायों की सुध ली जा रही है, इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की एक गौशाला में पहुंचे। दिल्ली समेत 6 राज्यों में रेणुकाजी डैम को लेकर समझौता हो गया है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में एमओयू पर साइन हुए। 18 से 20 जनवरी तक गुजरात में चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात में पाकिस्तान को निमंत्रण भेजने की खबर को लेकर सीएम रूपाणी पर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान में कर्ज माफी को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, कर्ज माफी से पहले आंकड़े जुटाएगी सरकार। यूपी के आगरा में पूर्व छात्र नेता ने सीएम योगी को खून से खत लिखकर सेंट जॉन्स कॉलेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति को अवैध बताया है। दिल्ली के कीर्ति नगर में लकड़ी के बुरादे से फैली आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजस्थान के कोटा में बीजेपी नेता मोहम्मद हुसैन की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है, आरोपी पीड़ित से 2 लाख रुपए भी लूट कर ले गया। राजस्थान के चुरू में कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों का बड़ा घोटाला सामने आया है, बैंक कर्मियों पर नाबालिग और मृत लोगों के नाम पर फर्जी लोन उठाने का आरोप है। यूपी पुलिस ने आगरा में कारोबारियों को ब्लैकमेल कर रकम ऐंठने वाले एक गिरोह को धर दबोचा है। नोएडा पुलिस ने लूट में शामिल 6 लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, इनके पास से लूट के 2,32,000 समेत गाड़ी और मोबाइल जब्त किए गए हैं। प्रयागराज में श्री पंचायती अखाड़े की पेशवाई शाही अंदाज में निकली, जिसमें संत हाथी, घोड़ों और ऊंट पर बैठे नजर आए। जर्मनी में जबरदस्त बर्फबारी का कहर जारी है, सड़क पर 30 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नाना पाटेकर पर मीटू का आरोप लगाने वाली तनुश्री दत्ता अपनी लड़ाई बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गई हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर लोकेश राहुल और हार्दिक पंड्या को भारतीय टीम से सस्पेंड कर दिया गया है, जांच पूरी होने तक दोनों टीम का हिस्सा नहीं होंगे। नहले पे दहला की शुरुआत करें उससे पहले 30 सेकंड का एक ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में, एमडीएच पाव भाजी मसाले।
पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल एंटी एजिंग गुणों के साथ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल लगाएं, प्राकृतिक सुंदरता पाएं। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स सिटी गर्ल सिटी स्टाइल। TVS अपाची RTR 164V रेसिंग DNA अनलीश्ड। सिग्नेचर ब्लैंकेट्स एक प्यार भरा एहसास। TVS रेडियन जियो बुलंद बड़ो बुलंद। और स्टे हैप्पी, हेल्थ बी हैप्पी, पॉकेट बी हैप्पी। महले पे दहला में आपका स्वागत है। मायावती और अखिलेश यादव अब तक एक ही सुर में अलग अलग मंचों से बोल रहे थे। शनिवार 12 जनवरी को दोनों एक साथ एक ही मंच से धमाका करने वाले हैं। लखनऊ में पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। मायावती और अखिलेश यादव कल लखनऊ के एक 5-स्टार होटल में एक साथ मीडिया के सामने होंगे। इस बात का ऐलान जिस अंदाज में किया गया है उसका मतलब यही है कि 2019 के चुनाव के लिए गठबंधन की गोटियां फिट हो चुकी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और BSP के गठबंधन तो पहले ही तय हो गया था, अब मुहूर्त भी तय हो चुका है और उसकी मुनादी भी कर दी गई है। मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकातें अब तक मीडिया की नजरों से दूर थीं। आज दोनों पार्टियों ने साझा तौर पर ऐलान किया कि शनिवार यानी 12 जनवरी को मायावती और अखिलेश यादव दिन में 12 बजे लखनऊ में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में हलचल इस समय बढ़ चुकी है। गठबंधन को लेकर के इस समय जो हालात हैं वो ये हैं कि उसके लिए बाकायदा ऐलान होना सिर्फ बाकी रह गया है। तारीखें की घोषणा यहां पर हो चुकी है। कल यानी 12 तारीख को यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती उपस्थित रहेंगे। हालांकि वो लोग राजधानी में कल ही पहुंच गए थे और आज पदाधिकारियों के साथ बाकायदा पूरी बातचीत चल रही है और ये माना जा रहा है कि कल एक साथ होटल ताज में गठबंधन को लेकर के ऐलान होंगे, सीटों को लेकर के ऐलान होगा। मायावती के साथ पहली बार अखिलेश यादव मंच पर आएंगे। उससे पहले अखिलेश यादव के कन्नौज में चौपाल सजाई जहां पर मंच पर उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव भी थी। अखिलेश यादव ने यहां भी BSP के साथ गठबंधन को लेकर कोई बड़ा खुलासा न करके भी बहुत कुछ कह दिया। सपा और बसपा की मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो अभी कोई चीज विस्तार से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उनको यकीन दिला सकता हूं देश के बड़े सवालों का भी जवाब है और किस तरीके से उन चीजों पर बात रखी जाए उसके लिए भी गठबंधन ही नहीं और समय समय पर जब गठबंधन की पूरी बातचीत हो जाएगी उसके बाद उन चीजों को भी पूरा कर दिया जाएगा, जनता के बीच में जरूर रखा जाएगा। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। चर्चा थी कि उस दिन गैर कांग्रेस और गैर BJP पार्टियों के नेताओं के बीच ही महागठबंधन का ऐलान होगा और मायावती को 2019 में विपक्ष के PM पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जाएगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि मायावती और अखिलेश यादव ने 12 जनवरी को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया और इसकी सूचना भी 24 घंटे पहले मीडिया को दी गई। इस टाइमिंग को भी 2019 के चुनाव की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब 2019 के चुनाव के हिसाब से आज राजनीति की सबसे बड़ी हलचल दिल्ली में होनी थी। BJP की राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर सबकी निगाहें थी, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना से सबका ध्यान लखनऊ की ओर चला गया। राजनीतिक हलचल की दिशा यूपी की ओर मोड़ने के लिए कन्नौज में अखिलेश यादव की चौपाल भी काम आई। हमारी पहली बार नहीं हुई है नेताजी की, हमारी डिंपल की एक बार CBI जांच पहले भी हो चुकी है और उस समय तहसील स्तर पर और बैंक स्तर पर और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की सबकी जांच हो चुकी है और अब BJP फिर कह रही है कि CBI जांच होगी। हम तो कह रहे हैं कि हमारे कन्नौज वाले जानते हैं गंगा से कौन बालू निकाल रहा है, जरा इसकी CBI जांच कर दो। अखिलेश यादव और मायावती के महागठबंधन की गूंज BJP की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी सुनाई थी। BJP इसे मजबूरी का मिलन बता रही है, लेकिन सच यह है कि BJP का कोई नेता समाजवादी पार्टी और BSP के गठबंधन को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। गठबंधन गठबंधन गठबंधन,
क्या है गठबंधन, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। और यही यूपी के लिए, वही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ है, क्यों हुआ है? एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले, आज हाथ मिला मिलाकर उठा उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। गठबंधन, महागठबंधन जो भी जिसको बनाना है बना ले, प्रदेश की भी जनता और देश की भी जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और 2019 में 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करके माननीय मोदी जी की अगुवाई में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मजबूत सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनाने वालों की जो कोशिश है उसको विफल करना है। देखिए, ये ठगबंधन है। 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में इन सब ठगों ने देश को लूटा, सपा बसपा कांग्रेस, और 15 साल तक कांग्रेस के सहयोग से सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा। यह अवसरवादी गठबंधन है। गठबंधन से ये नहीं होता कि उत्तर वोट ट्रांसफर हो जाएगा सपा को या बसपा को, उत्तर नहीं ट्रांसफर होता है। फिर तो जो जैसा खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है, उसके भी तो संबंध होते हैं, तो उतना नहीं होगा, नुकसान होगा, ये बात सही है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। दरअसल मायावती और अखिलेश यादव का एक साथ आना बीजेपी को 2019 का सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। बीजेपी को एहसास है कि इस गठबंधन से यूपी में पार्टी की उम्मीदों को झटका लग सकता है। यूपी में 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 71 और उसकी सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से 38 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी की जीत का अंतर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साझा वोट से कम था। यानी अगर 2014 की मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट अलग अलग बटे नहीं होते तो बीजेपी का ग्राफ हाफ हो जाता। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने साझा वोट की ताकत का एहसास 2018 के उपचुनाव में करा दिया। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ 3,12,783 वोट के अंतर से जीते थे। 2018 में बीएसपी के समर्थन से समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव 21,881 वोट के अंतर से जीता। फूलपुर में 2014 में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य 3,08,208 वोट से जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साझा उम्मीदवार ने 2018 के उपचुनाव में बीजेपी को 59,460 वोट से हरा दिया। 2014 में कैराना सीट 2,36,628 वोट के अंतर से जीतने वाली बीजेपी 2018 के उपचुनाव में 44,618 वोट से हारी। वोटों का यही गणित मायावती और अखिलेश को समझ में आ चुका है। दोनों के सामने 2019 में अपना राजनीतिक वजूद बचाने का संकट भी है। दोनों को इस मजबूरी का एहसास है कि आपस में लड़े तो वोट बटेंगे। यही मजबूरी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की ताकत है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय। सच्चाई यही है कि यूपी में मोदी और फिर योगी की आंधी ने मायावती और अखिलेश को 25 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए मजबूर किया है। ये भी सच है कि इन दोनों के गठबंधन की मजबूरी को सीबीआई ने मजबूती दे दी। वक्त से पहले ही मायावती को मौका मिल गया कि वो अखिलेश यादव पर एहसान जताते हुए गठबंधन का ऐलान करें। के चुनाव का सबसे चर्चित गठबंधन अब सामने आने जा रहा है। मायावती और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना जिस अंदाज में दी गई है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन की सभी बाधाएं दूर कर ली हैं। गौर से देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की साझित सूचना है जो अखिलेश यादव के करीबी राजेंद्र चौधरी और मायावती के सबसे भरोसेमंद सतीश चंद्र मिश्रा के दस्तखत से जारी हुए हैं। इससे पहले 7 जनवरी को संसद परिसर में भी ऐसी ही जुगलबंदी दिखी थी। यूपी में खनन घोटाले की सीबीआई जांच के लपेटे में अखिलेश यादव का नाम आया तो समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा एक साथ मीडिया के सामने आए और अखिलेश के समर्थन में तनकर खड़े हो गए।
उसी दिन खबर आई कि मायावती ने अखिलेश यादव को फोन किया है और कहा है कि सीबीआई से घबराने की जरूरत नहीं है। बीएसपी की ओर से बकायदा प्रेस नोट जारी करके बताया गया है कि हाँ, मायावती ने अखिलेश यादव को फोन किया है। इसी प्रेस नोट में महागठबंधन तय होने की सूचना भी थी। मायावती और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को साफ हो जाएगा कि यूपी में 2019 के महागठबंधन में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। इतना तो तय है कि महागठबंधन में मायावती का ही पलड़ा भारी रहने वाला है। खुद अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि बीएसपी और बुआ जी यानी मायावती का पूरा मान रखेंगे। मायावती अपनी शर्त पहले ही बता चुकी है कि वो अपने और बीएसपी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगी। यूपी में 2019 के महागठबंधन की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के लिए गठबंधन में गुंजाइश नहीं है। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के साथ कैराना और नूरपुर उपचुनाव में गठबंधन था और आगे भी आरएलडी का साथ बना रहेगा। निषाद और पीस पार्टी के अलावा महागठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए रास्ते खुले हैं। राजभर अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो मायावती और अखिलेश यादव के साथ जाने से साफ साफ इनकार नहीं कर रहे हैं। कल महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या लगता है क्या घोषणा हो सकती है? दो दिन के चुनाव लड़ेंगे और क्या घोषणा करेंगे, प्रधानमंत्री थोड़े बन जाएंगे कल है। उसमें आपको भी शामिल करने की बात की जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है, क्या तक है? हमको तो पता ही नहीं है। हमारी अभी जयंत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई है और महागठबंधन में हम शामिल हैं। मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यहीं हूँ। दो सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है, अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितने परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथ ही उनसे करेंगे। अगर दो सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात। As far as an alliance is concerned, they are formalizing their alliance, but we are also very clear that any alliance that we work towards has to be on equal respect, equal dignity and equal political opportunity on the basis of the vote share that every political party enjoys in that state. मायावती और अखिलेश यादव के बीच 2019 के लिए गठबंधन की खिचड़ी पक रही है। इसका इशारा खुद अखिलेश यादव ने एक साल पहले इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मंच में किया था। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने कबूल किया था कि मायावती के साथ उनके रिश्तों में मिठास आई है। आपको सुनाते हैं इंडिया न्यूज के मंच पर अखिलेश के साथ बातचीत का वो हिस्सा जो आज का सच है। आप लड़ रहे थे बीजेपी से, आप लड़ रहे थे तो जो दल सहयोग कर रहे थे हमने सबका साथ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कांग्रेस से कोई रिश्ता खत्म हो गया। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चलिए आपने खुद अलायंस की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लालजी टंडन को मायावती जी ने राखी बांधी, वो आप गई, वो ये रिश्ता कैसे जुड़ गया? देखिए, मैंने उनको हमेशा बुआ ही कहा, कभी बुआ के अलावा मैंने नहीं कहा, और शायद इससे ज्यादा सम्मान और क्या रिश्ते में दिया जा सकता है मुझे कोई बता दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बिटरनेस के संबंध जुदा कर दिए, अलग कर दिए, अब आप एक नई राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब बुआ जी से भतीजे मिले तो उस मुलाकात में क्या बात हुई? ये मत बोलना ये बात किसी से ना कहना, ये बात तो कहना ही पड़ेगी आपको। देखिए, जनता जानना चाहेगी, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा परिणाम आया हो, जहां और दलों ने हमारा सहयोग किया चुनाव में, जिनके सहयोग से पार्टी जीती, मान लीजिए गोरखपुर निषाद पार्टी, उनकी अपनी पार्टी लेकिन उन्होंने अपना बेटा हमारे चुनाव चिन्ह से लड़ाया, और दलों ने सहयोग दिया, वाम दलों ने सहयोग दिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सहयोग दिया, अजीत सिंह जी की पार्टी ने सहयोग दिया, पीस पार्टी ने भी साथ दिया, और बाद में बहुजन समाज पार्टी का भी सहयोग मिल गया। तो शायद इतनी बड़ी जीत हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें धन्यवाद दें, और इसलिए मैं खुद मिलने गया उनसे। सुनने में तो ये भी आया कि शायद मायावती जी और आगे बात करना चाहती थी, लेकिन आपने अभी तक उस पर कोई हरी झंडी नहीं दिखाई। एक बात आप समझ लेना कि राजनीति में हम तो हारे हुए लोग हैं, हमारी तो हमको तो जनता में झूठ बोल के हरा दिया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के जो वादे पूरे नहीं किए इनको भी सबक सिखाएं। तो इसलिए सबक सिखाने के लिए और देश को नई दिशा देने के लिए और कम से कम
जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है और अपमान का सामना कर रहे हैं, उनकी ताकत अगर बन जाए तो शायद हमें कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब आप बलिदान देने को तैयार हैं? नहीं, आप देश बलिदान नहीं देंगे, बलिदान देने को तैयार हैं। हम त्याग करेंगे। सेक्रीफाइस का मतलब यही होता है, हम त्याग करेंगे। तो क्या छोड़ेंगे आप? बलिदान नहीं करेंगे, त्याग कर देंगे। चलिए आप त्याग करेंगे, मान लिया हम आप त्याग करेंगे, बट क्या त्याग कर देंगे आप? ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि अगर हमें कुछ समझौता करना है, आगे बढ़ना है, जो बात आपने कही, क्योंकि स्ट्रेटेजी एक पॉइंट तक है, उसके बाद क्या होगा? तो इसलिए मैंने कहा कि हम तो समाजवादी लोग हैं, हमारा रास्ता साफ है, और अगर हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा देश को दिशा देने के लिए, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। और आप जानते होंगे, नहीं, जब कांग्रेस से हमारा गठबंधन हुआ और जब गठबंधन के लिए सीटों की बात हुई, हमारे बहुत सारे समाजवादी लोग और मेरे परिचित लोग ये चाहते थे कि इतनी सीटें मत दो कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हां देनी चाहिए। मैंने दी उतनी सीटें, 100 से ज्यादा सीटें मैंने दी, लगभग 100 सीटें दी। लेकिन मुझे यह बताइए कि आप जब धन्यवाद देने गए थे तो बुआ जी ने आपको मिठाई विठाई खिलाई? और कौन सी थी? चमचम थी, रसमलाई थी, बर्फी थी, या सिर्फ चाय पिला दी बिना चीनी के? ये सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना कुछ खाने को मिला है, आप लोग भी ना पहुंचा वहां पर। मतलब हमको भी वहां खाने को मिलता रहा है, एक बर्फी और नमकीन खाने को मिलता रहा है हमको वहां पे, बहुत सालों तक मिला है। समझ लो, अगर आपको उतना मिला है तो हमें कितना मिला होगा? नहीं तो मैं समझ रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ आपको क्या क्या मिला होगा। आपको कचौड़ी भी मिली होगी, आपको रसगुल्ले भी मिले होंगे, आपको चमचम भी मिले होगी, कुछ आपको रसमलाई भी मिली होगी। आप कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ बता रहे हैं क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव के अंदर। आपने ये बता दिया मुझे कितना कुछ खाने को मिला, ये तो साफ कर दिया, ये सिंबोलिज्म हो गया। आप कह रहे थे आप मुझसे बात निकलवा नहीं सकते, लेकिन मैंने निकलवा ली कि आप बहुत कुछ खा के आए हैं मायावती के घर, और इतना कुछ खा के आएंगे तो रिटर्न में जब वो आएंगे आपके घर पे तो आपको उतना परोसना तो पड़ेगा, बराबरी तो करनी पड़ेगी। देखिए ये तो हमारे यहाँ व्यवहार ऐसे चलता है, तो हम तो है ऐसे व्यवहार को चलाने वाले लोग हैं, संबंध को चलाने वाले लोग हैं, तो हम तो ये व्यवहार चलाएंगे। अगर मीठा मिला है तो मीठा हम भी खिलाएंगे, उसमें क्या है। यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए मायावती और अखिलेश कल अपनी रणनीति का पहला खुलासा करने वाले हैं। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग के पहले दिन अमित शाह ने यूपी में 74 सीटें जीतने का दावा किया। आज पहले दिन के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई नेता मौजूद दिखे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव एक तरह का वैचारिक युद्ध है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि 2019 का युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला है और इसलिए एनडीए के दल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट हैं। कांग्रेस और समूचे विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि विरोधियों के पास न नेता है और न ही नीति। शाह ने यह भी दावा किया कि पिछले एक सप्ताह के अंदर मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए हैं जिससे जनता को फायदा होगा। जिनके पास ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, अलग कमरे में बैठकर परीक्षा की तैयारी करने की व्यवस्था नहीं है, घर में लाइट नहीं है, मगर उनको आरक्षण नहीं मिलता था, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने अगड़ा समाज के युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण कर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। इसके अलावा अमित शाह ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटों की संख्या 73 से 74 होगी, 72 नहीं होगी। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द राम मंदिर बनाने का ऐलान भी किया। वो ही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया बैठ जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं।
और मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बोले भारत माता की, मित्रों सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर दुबई पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत उसी स्टाइल में हुआ जैसे मोदी का वेलकम उनके समर्थक करते हैं। राहुल की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थक बेताब थे, सेल्फी लेने की होड़ मची थी और राहुल राहुल का शोर भी गूंज रहा था। चारों तरफ राहुल राहुल की नारों की गूंज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष की धमाकेदार एंट्री कितनी शानदार है। तस्वीरें हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुबई एयरपोर्ट की हैं, जहां राहुल की बढ़ती लोकप्रियता साफ देखी जा सकती है। अक्सर विदेशी दौरे पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इस बार राहुल की एक झलक पाने के लिए यूएई में भीड़ बेताब थी। हर कोई राहुल की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता था। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर दुबई पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कार्यक्रम को जारी रखते हुए राहुल ने दुबई में भारतीय कामगारों और कई बिजनेसमैन से मुलाकात की। इसके अलावा राहुल ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने मन की बात करने नहीं बल्कि दुबई में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के मन की बात सुनने आए हैं। मैं यहाँ अपनी मन की बात करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी मन की बात सुनने आया हूँ। और आप घबराइए मत, लड़ाई चालू है और हम जीतते जा रहे हैं। अपने दो दिवसीय यूएई दौरे के दौरान राहुल 12 जनवरी को अबू धाबी जाएंगे, जहां वो संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तीन राज्यों में शानदार जीत और इस तरह की विदेश दौरे की तस्वीर से साफ इशारा करती है कि अब राहुल गांधी राइजिंग स्टार बनने जा रहे हैं, जिनका क्रेज अब भारत में ही नहीं विदेशी जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले गुरमीत राम रहीम के गुनाहों की फेरिस्त में एक अपराध और जुड़ गया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या केस में राम रहीम और उनके साथियों को दोषी पाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। 16 साल तक चले केस में आखिरकार सत्य की जीत हुई। कभी धर्म का उपदेश देने वाला बलात्कारी बाबा हत्यारा भी निकला। जेल में बंद गुरमीत राम रहीम कितना बड़ा अधर्मी है, ये तो तभी साबित हो गया था जब वो साध्वियों से रेप केस में दोषी साबित हुआ था, लेकिन आज उसकी हैवानियत पर एक और मुहर लग गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम और उसके साथियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल को भी दोषी ठहराया है। 16 साल बाद पिता के हत्यारों पर दोष साबित होने के बाद रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कहा है कि लंबे समय के बाद न्याय मिला। वहीं वारदात के चश्मदीद और राम रहीम के ड्राइवर रहे खट्टा सिंह ने कहा है कि आज उन्हें शांति मिली। लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय अदालत जो है वो सख्त सजा सुनाएगी और हम मांग करते हैं कि ऐसे आरोपी ऐसे अपराधी के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। डेरा प्रमुख राम रहीम जिसने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ना जाने और कितने गुनाह किए, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए ना जाने कितने लोगों को बलि का बकरा बनाया। अपनी बहुत शांति मिली है क्योंकि इतना उनके बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे जब उसका मर्डर हुआ था। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पंचकुला में कोर्ट के बाहर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
खट्टा सिंह ने बताया कि फैसले के वक्त राम रहीम का हाल बहुत बुरा था। राम रहीम का बहुत बुरा हाल था और नीमी ऐसे नीचे चाक रहा था, ऊपर देख नहीं रहा था और वो उसको जज साहब जो बोल रहे थे उसका कोई पता नहीं चल रहा था अभी क्या 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 हो रहा है क्या रहा नहीं। फिर जज साहब ने मैं तो पास में करके उसको बताया भी तेरे को सजा का दोषी करार कर दिया गया, तो उसके बाद ये फिर उसने समझाई भी हाँ ठीक है। 16 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला आया है। दरअसल 30 मई 2002 को छपे पूरा सच नाम के इस अखबार ने ही सबसे पहले साध्वियों के यौन शोषण की खबर छापी थी। इस खबर को छापने की कीमत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। रामचंद्र छत्रपति पूरा सच नाम के सांध्य अखबार के संपादक थे। साल 2002 में 3 पेज की गुमनाम चिट्ठी के बाद सिरसा डेरे में 2 साध्वियों से रेप का खुलासा हुआ था। छत्रपति ने इस खबर को अपने अखबार में सबसे पहले छापा था। 30 मई 2002 को इस खबर के प्रकाशित होने के बाद से राम रहीम के लोग छत्रपति को धमकियां दे रहे थे। इसके बावजूद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति निर्भीक होकर राम रहीम के खिलाफ लिखते रहे। आखिरकार 24 अक्टूबर पत्रकार छत्रपति को उनके घर के बाहरी गोलियों से भून दिया गया। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान छत्रपति की मौत हो गई थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर छत्रपति के बेटे अंशुल ने जनवरी 2003 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश पर दिसंबर 2003 में सीबीआई जांच शुरू हुई। 16 साल की लंबी लड़ाई के बाद मामला अपने अंजाम तक पहुंचा। लेकिन इस दौरान राम रहीम के समर्थक कहीं बवाल न कर दें, इसके लिए हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दोनों सूबों में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हिंसा करने या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो उसके खिलाफ मौके पर ही मौके के ऑफिसर डिसीजन लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें और व्यवस्था को मेंटेन रखें। पंजाब पुलिस के साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन है? जी, पंजाब पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन है। बाकी जो और पुलिस जो फोर्सेज है, जहां जहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत है सभी से कोऑर्डिनेशन हमने किया। दरअसल 25 अगस्त 2017 को जब राम रहीम को रेप केस में सजा का ऐलान हुआ था, तब हरियाणा में जबरदस्त हिंसा हुई थी। कुल 40 लोग मारे गए थे। इसलिए इस बार पुलिस पहले से ही पूरी तरह से तैयार है। 2 साध्वियों से रेप केस में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को इस केस में क्या सजा मिलती है, इसका ऐलान 17 जनवरी को होगा। उधर सीबीआई में मचे घमासान के बीच आज घूसखोरी के मुख्य आरोपी और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने अस्थाना की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है। उधर सीबीआई निदेशक के पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने फायर सर्विस का डीजी बनने से इनकार कर दिया है। राहत की उम्मीद में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की मुश्किलें हाईकोर्ट ने ही बढ़ा दी। राकेश अस्थाना पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। राकेश अस्थाना को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को दिल्ली हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई 10 हफ्तों में घूसखोरी के मामले की जांच पूरी करे। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, भले ही याचिकाकर्ता एसआईटी का हेड हो, लेकिन यहां सवाल कानून का है। कोर्ट ने कहा कि अस्थाना पर रिश्वत लेने और दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने घूसखोरी के सह आरोपी देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से भी मना कर दिया। राकेश अस्थाना पर मोइन कुरैशी केस में राहत देने के बदले 2 करोड़ की घूस लेने का आरोप है। 15 अक्टूबर 2018 को जब राकेश अस्थाना पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था, तो उसके बाद अस्थाना ने सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा पर भी घूसखोरी का आरोप लगा दिया था। सीबीआई बनाम सीबीआई के विवाद में सरकार ने अस्थाना और आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था, लेकिन 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को बहाल कर दिया था। लेकिन 2 दिन बाद ही हाई पावर कमेटी ने वर्मा की परमानेंट छुट्टी कर दी। इस हाई पावर कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जस्टिस सीकरी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। जिस सीवीसी रिपोर्ट के आधार पर वर्मा को हटाया गया, कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही है। अस्थाना साहब के आरोप करीब करीब 99% आधार है सीवीसी का और सीवीसी 100% आधार है समिति का। इसका मतलब हुआ कि अस्थाना के आधार पर समिति ने वर्मा को हटाया।
वहीं पद से हटाए जाने पर आलोक वर्मा ने कहा है कि वो सिर्फ सीबीआई की साख बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें गलत तरीके से हटाया गया। वर्मा ने बतौर डीजी फायर सर्विस ज्वाइन करने से भी मना कर दिया है। वर्मा ने सरकार को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो तो 31 जुलाई 2017 को ही रिटायर हो चुके हैं। बतौर सीबीआई निदेशक नियुक्त होने की वजह से वो काम कर रहे थे, लेकिन पद से हटाए जाने के बाद वो डीजी फायर सर्विस नहीं जा सकते। वहीं बतौर सीबीआई निदेशक बहाली के बाद वर्मा ने जो ट्रांसफर किए थे उन्हें सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने रद्द कर दिया है। विरोध और हंगामे के बीच फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हो गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर आधारित ये फिल्म चटपटे डायलॉग्स के साथ दर्शकों को चुनावी संदेश दे रही है। चुनावी साल में आई इस फिल्म का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इसलिए कांग्रेस फिल्म का विरोध कर रही है। हंगामे और आगजनी की ये तस्वीर कोलकाता की है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों का ये विरोध मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के खिलाफ है। कोलकाता के सिनेमा घरों के बाहर आज जमकर नारेबाजी हुई। मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म द एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई। फिल्म को बैन करने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन फिल्म नहीं रुकी। ये फिल्म मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर आधारित है। पीएम के लिए काम करता हूं पार्टी के लिए नहीं, लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। बारू, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएसी तय करेगी, इनकी समझ में आएगा। इस फिल्म में मनमोहन सिंह और गांधी परिवार को लेकर ऐसी कई बातें हैं जिन पर कांग्रेस को एतराज है। लोकसभा चुनाव से पहले चटपटे डायलॉग्स के साथ दर्शकों को ये बताया जा रहा है कि कैसे गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाया था। देश के विकास के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, ये पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई। जो आज दर्शक है वही कल मतदाता होंगे, इसलिए इस फिल्म का खास असर होगा। मैं देश को बेचूंगा। अब जरा दर्शकों से भी सुन लीजिए कि फिल्म देखकर उन्हें क्या समझ में आया। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब है। अच्छी फिल्म है, स्लो है, इट ब्रिंग्स आउट द रियल फैक्ट्स व्हिच आउटसाइडर्स डोंट नो। सो जो असलियत है वो पता लग जाती है, जो हमको हम नहीं समझते हैं, आम नागरिक नहीं समझ सकते। मुझे पिक्चर बहुत पसंद आया क्योंकि इट वॉज वेरी रियल रियलिटी एंड वेरी एंजॉयबल एंड ऑल ऑफ देम एक्टेड वेरी वेल एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। चुनाव अभियान राहुल करेगा। कांग्रेस इन्हीं वजहों से एक फिल्म का विरोध कर रही है। चुनावी साल में फिल्मों को हथियार बनाकर एक खास मकसद को साधा जा रहा है। मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है। दिल्ली का रामलीला मैदान बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है, जहां हर और केवल मोदी सरकार का प्रचार ही नजर आ रहा है। इस दौरान पीएम मोदी का प्रचार करते हुए केंद्रीय मंत्री भी नजर आए। उन्होंने नमो अगेन की टी शर्ट पहनकर प्रचार किया। चीजें मिलेगी जो देश हित में हम इसे पहन रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि एक स्वच्छ अच्छा सरकार जो मोदी जी ने चलाया। उन्हें 272 प्लस दिए थे, इस बार ट्रिपल सेंचुरी लगाकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री 300 का आंकड़ा पार करके तरीके के बहुत खूबसूरत चीजें मिलेगी जो देश हित में हम इसे पहन रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि एक स्वच्छ अच्छा सरकार जो मोदी जी ने। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 साल पहले लापता हुई महिला कांग्रेस नेता ट्विंकल डागरे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इंदौर की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक जिस कांग्रेस की महिला नेता ट्विंकल डागरे की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। इंदौर के जिस बेटी के लिए एक मजबूर माँ और बेबस पिता पिछले 2 साल से पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गए, वो अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है।
लेकिन ट्विंकल डागरे के अपहरण मामले में गुरुवार को नया मोड़ तब आया जब पुलिस को इंदौर के सांवरे रोड पर एक फैक्ट्री के पीछे ट्विंकल के शव गड़े होने की सूचना मिली। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। सुबह से लेकर देर रात तक जेसीबी मशीन से खुदाई की गई। पुलिस को फैक्ट्री की दीवार से कुछ जलने के निशान और मिट्टी से राख मिली, तो वहीं कपड़े और कान की बाली भी बरामद की गई। अभी तक तो कुछ बताया नहीं है, खुदाई चली रही है। अब खुदाई यहाँ खुदाई क्यों की गई थी? बेटी का बोले यहाँ पे जलाया गया है बेटी को, तो इसीलिए यहाँ खुदाई कर रहे थे। बेटी को जला के गाड़ दिया गया है, तो कुछ मिला तो नहीं अभी। अब पता नहीं आगे पुलिस को क्या मिला है, पता नहीं। दरअसल 16 अक्टूबर 2016 की सुबह 21 साल की ट्विंकल डागरे अपने घर से निकली थी, लेकिन वो लौटकर नहीं आई। एक दिन अचानक ट्विंकल के बंद फोन से मैसेज आया तो परिवार वालों के होश उड़ गए, जिसके बाद ट्विंकल के परिजनों ने इलाके के बीजेपी नेता जगदीश करोटिया, उसके बेटे विनय और विजय के साथ ही पूर्व बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता पर ट्विंकल का अपहरण कर हत्या की आशंका जताई। ट्विंकल ने अगस्त 2016 में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। ट्विंकल के लापता होने के बाद उसके परिवार को मुंह बंद रखने के लिए पैसों का लालच और धमकियां मिलने लगी। इतना ही नहीं, ट्विंकल का दिनेश साहू नाम के शख्स के साथ जमीन विवाद भी चल रहा था। आशंका है कि इसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। लापता होने के बाद से ट्विंकल का शव अब तक नहीं मिला है। बताया जाता है कि पुलिस ने जिस जगह खुदाई कराई उस जगह पर बीजेपी नेता जगदीश करोटिया का कब्जा है। फिलहाल पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ में जुटी है, जिससे पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में मदद मिल सके। नेचुरली कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जिनको हम लोग साक्ष्य के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे, एफएसएल और साइंटिफिक टेक्निकल एविडेंस लेने के बाद और टेक्निकलिटी उसकी जानने के बाद। लेकिन अभी ये लगातार एक जनरल सर्च है, जनरल एक एविडेंस की सर्च कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि हम लोगों ने अभी 2-3 जगह पे कराई है और कई लोगों से पूछताछ भी हुई है, कई लोगों से पूछताछ आगे होनी है। नहरे पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में दिलचस्प घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला पर बड़ा दांव खेलकर विरोधियों को मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक हरियाणा की सियासत में बड़ा कमाल कर सकता है। जिन उपचुनाव का रण तैयार है, जिसने हरियाणा की सियासत में गर्मी बढ़ा दी। पहली बार 28 जनवरी को जिंद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला पर दांव खेलकर चौंका दिया है। बुधवार को जिंद विधानसभा सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए घमासान देखने को मिला। दिन भर हरियाणा के तमाम नेता माथा पच्ची करते रहे, क्योंकि इस चुनाव को हरियाणा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब जिंद के मैदान में एक तरफ जहां जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को उतारा है, तो इनेलो ने उमेद सिंह रेणु पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी ने पूर्व इनेलो विधायक और दिवंगत हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा को टिकट देकर चुनावी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस इस चुनाव को मोदी और खट्टर बनाम रणदीप करने की तैयारी में है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिंद विधानसभा उपचुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि सुरजेवाला पहले से ही हरियाणा के कैथल से विधायक हैं। जींद का चुनाव हरियाणा में बदलाव की एक नई बयार शुरू करने का चुनाव भी है। जींद का चुनाव वो कर्ज जो जींद की माटी का हम सब पर है, उसको विकास की गंगा में तब्दील करने का चुनाव है। मैं शुक्रगुजार हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का भी कि उन्होंने मुझ में ये विश्वास व्यक्त किया कि आज इस चुनावी समर में मुझे जींद की जनता की नुमाइंदगी का मौका दिया। हमारी सोच ये रहेगी कि सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए, बल्कि अगर हम चुनकर के यहाँ से आते हैं तो अगले 10 महीने में मैं जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी क्षमता है, उससे 19 नहीं बल्कि सवाया होकर प्रयास करूं। विकास की बात करें तो जींद में पहले विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, चाहे वो शहर का काम हो, प्रत्येक गली और सड़क बनाने का काम कर रही है, और चाहे वो ग्रामीण का समस्या कार्य को लेकर वो भी कार्य रूटीन में चल रहा है। लेकिन विशेष तो ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना की जाएगी कि जींद में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए। 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित अब दिल्ली कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं।
अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना है, लेकिन इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अब बतौर अध्यक्ष उन्होंने गठबंधन से इनकार किया है। दिल्ली की नई प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित जी हमारे साथ में हैं। शीला मैम, जिस हिसाब से आप मुख्यमंत्री भी रही, बतौर 15 साल आपने दिल्ली में शासन किया, अब प्रदेश की कमान आपके पास में है, क्या कुछ रणनीति रहेगी 2019 को देखते हुए, किस तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, 2019 का हमारा लक्ष्य वही है जो हर एक पार्टी का है, और हमारा भी लक्ष्य यही कि हम सब सीटें जितने भी हम लड़ेंगे वो सब जीते, अभी तो लक्ष्य यही है। लेकिन किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे और क्या हमारी रणनीति होगी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, ना मैंने अपने साथियों से मिली हूँ। जब मिलेंगे तो जब अपना जो स्टेप्स लेने हैं, हमने जो कदम उठाने हैं, तब आपको जरूर सूचित करूंगी। चलिए ठीक है, लेकिन गठबंधन को लेकर जैसा तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो गठबंधन में क्या? गठबंधन की कहीं बात नहीं है, अभी कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर जरूर निकाल रहे हैं और सब निकाल रहे हैं, लेकिन गठबंधन की कोई बात नहीं। लेकिन अब लगता है कि आपके आने से कांग्रेस में काफी जोश और जज्बा भी बढ़ा है, क्या लगता है कि अकेले कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ेगी? क्यों नहीं लड़ेगी, हमेशा लड़ती रही है। कांग्रेस एक बड़ी पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है, हमेशा लड़ती है, कौन सी नई बात आप कह रहे हैं। और अब बात देश के लिए उस गौरव की, जिसका इंतजार पीएम मोदी से लेकर देशवासियों को बेसब्री से था। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इसरो प्रमुख के सिवान ने आज इसकी जानकारी दी। इस मिशन के तहत 3 सदस्यीय क्रू 7 दिन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। इस मिशन में महिला अंतरिक्ष यात्री भी टीम का हिस्सा होगी। सिवान ने बताया कि इसरो के लिए केंद्र सरकार ने कुल 30,000 करोड़ की रकम को मंजूरी दी है, जिसमें सिर्फ गगनयान के लिए 10,600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गगनयान प्रोग्राम अप्रूवल All of you are aware that Gaganyaan is mainly to put 3 astronauts in space for 7 days. This is the target. Now, once the Gaganyaan program is approved, what we can say is this is a major turning point for ISRO. आपको बता दें, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से संकल्प लिया था कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर साल 2000 तक भारत का बेटा या बेटी गगनयान लेकर अंतरिक्ष में तिरंगे के साथ जाएंगे, और भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। आजादी का 75 साल मनाएंगे, तब तक माँ भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे, और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। ये गगनयान 2022 तक अंतरिक्ष में पहुंचेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर गगनयान मिशन क्यों अहम है। गगनयान में एक इंसान को स्पेस में भेजा जाएगा और स्पेस क्राफ्ट के जरिए ही वापस धरती पर वो लौटेगा। इसके साथ ही इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक नया सेंटर भी बनाया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले दल में महिला भी होगी। गगनयान मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था। केंद्र सरकार ने इस मिशन को ऐतिहासिक बताया था। इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सबसे बड़े रॉकेट GSLV MK3 का इस्तेमाल करने की योजना में है। अंतरिक्ष में जाने वाले इन अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमोनॉट्स के नाम से जाना जाएगा। व्योम एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अंतरिक्ष होता है। गगनयान मिशन की मदद के लिए भारत रूस और फ्रांस से मदद ले रहा है। नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए दमदार 10 मेरे सहयोगी रवि शर्मा के साथ।